सलमान शाहरुख के साथ आमिर ने निभाई दोस्ती। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया खुद को सिंगल। रणवीर दीपिका के स्टीमी एक्सक्लूसिव विजुअल्स हुए इंटरनेट पर वायरल। वरुण धवन को नहीं करनी नेपोटिज्म पर बात। अर्जुन कपूर नहीं चाहते एसआरके के साथ कोई कंपटीशन। प्लैनेट बॉलीवुड के कैमरा में कैप्चर हुए रणवीर दीपिका के स्टीमी विजुअल्स हो गए हैं इंटरनेट पर वायरल। देखिए कैसे प्लैनेट बॉलीवुड की एक्सक्लूसिव स्टोरी ने मचाया हंगामा। पहली बार ऑन कैमरा एक्सक्लूसिव कैप्चर हुआ रणवीर दीपिका की लव स्टोरी का सबसे बड़ा सच। रणवीर दीपिका के बीच की प्रॉब्लम की हर न्यूज है झूठी और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है इन दोनों के ये इंटीमेट विजुअल्स जिन्हें प्लैनेट बॉलीवुड ने सबसे पहले आपको दिखाया था। रणवीर दीपिका के रिलेशनशिप को लेकर उठने वाले हर एक सवाल को खत्म करने वाले ये विजुअल्स आज ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पर छाए हुए हैं। हर जगह वायरल हो रहे रणवीर दीपिका के ये स्टीमी विजुअल्स इन लव बर्ड्स के फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। ये विजुअल्स हैं सबूत कि रणवीर दीपिका का रिश्ता है कितना गहरा। किस हद तक ये दोनों इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये इंटीमेट विजुअल्स काफी कुछ कह रहे हैं। इस वीकेंड रणवीर दीपिका अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पहुंचे पार्टी करने। यूजुअली दीपिका रणवीर पब्लिक प्लेस में नजर तो साथ आते हैं लेकिन इनकी ऐसी इंटीमेसी पहली बार दिखी है। रणवीर दीपिका पिछले कुछ समय से पब्लिक प्लेसेस में साथ नहीं दिख रहे थे। खबर यहां तक आने लगी थी कि दीपिका ने अपने करियर की वजह से रणवीर से ब्रेकअप कर लिया है और रणवीर भी किसी और को डेट करने लगे हैं। इस तरह की खबरों से रणवीर दीपिका के फैंस थे काफी उदास। लेकिन अब प्लैनेट बॉलीवुड के कैमरास में एक्सक्लूसिवली कैप्चर हुए ये विजुअल्स फैंस के चेहरे पर ले आए मुस्कान। और ये विजुअल्स हो गए हैं हर जगह वायरल। एंड वी टू आर हैप्पी टू सी लव बर्ड्स रणवीर दीपिका टुगेदर। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। धवन की मच अवेटेड फिल्म जुड़वा 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ और इस ट्रेलर लॉन्च पर वरुण ने किया सलमान खान का शुक्रिया। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन ने बताया कि वरुण के साथ काम करने में और उनको डायरेक्ट करने में क्या फर्क है। फिल्म जुड़वा 2 का ट्रेलर हुआ लॉन्च। इस ट्रेलर लॉन्च पर नजर आए वरुण जैकलिन और तापसी के साथ फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन। इस ट्रेलर लॉन्च पर डेविड धवन ने बताया सलमान के साथ फिल्म जुड़वा में और वरुण के साथ जुड़वा 2 में काम करना कितना अलग है। You won't believe when I saw the film again, I wanted to see that time and I found him, I said, he's done so bloody good. I used to keep telling him, I said, see what he's done here, what he's done. Not only say about him, you would name a lot of actors. Yeah, yeah. ये कैसे करता था? अरे ये कैसे करता था वरुण तू? इस इवेंट पर वरुण ने ये भी बताया कि फिल्म जुड़वा 2 उन्होंने अपने डैड के साथ कैसे शूट की। तो हम लोग लंदन में थे for around 2 months. तो इनका जो रूम था, मैं इनका नेबर था, बगल में इनके मेरा रूम था। तो जब शूटिंग करके आते थे, जिम हो जाता था, बोलता था वरुण सो जाओ, तो
तो मैं सो जाता था, जब उठ के जाते थे वरुण उठ जाओ उठ के जाओ, तो मेरी कोई और जिंदगी नहीं थी वो 60 डेज के लिए, मैं बस शूटिंग ही कर रहा था। शूटिंग के बाद मुझे पता था कि मुझे अच्छा दिखना है कल के लिए, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी फ्रेश इन हिज फिल्म्स, एंड फ्रेश मतलब सुबह में गुड मॉर्निंग भी गुड मॉर्निंग, थोड़ी ब्राइट मतलब कि मतलब सर ही लाइक्स इट। अगर आप ऐसे आ जाओ तो इसे क्या ढीला तू यार, क्या यार लाइफ में एनर्जी तो चाहिए ना। कुछ समय पहले न्यूयॉर्क में हुए एक इवेंट के दौरान वरुण ने बॉलीवुड में होने वाले नेपोटिज्म को रॉक बताया था, जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। हालांकि इस पर वरुण सोशल मीडिया के जरिए माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि वरुण इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। बस यही कहूँगा कि जो मुझे कहना था उस विषय पे मैं कह चुका हूँ, एंड ऑब्वियसली आई थिंक दैट्स द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द एंटायर टॉपिक वेयर दिस इज कंसर्न्ड। Eventually, we are one fraternity. We love each other, and our job as a fraternity, as an industry, is to entertain people and not hurt anyone or hurt anyone's sentiments. And if I did that, I express my apologies to one and all, because I'm an entertainer, I'm an artist, and I have only love in my heart when I come out here, and that's all I want to express to people. डेविड धवन के साथ कई सुपरहिट फिल्म्स कर चुके गोविंदा डेविड के बारे में कुछ समय पहले काफी बुरा भला कह चुके हैं। ऐसे में जब डेविड धवन से पूछा गया कि क्या वो गोविंदा के साथ दोबारा काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, और एक्टर्स मेरे साथ सबने काम किया ऐसा नहीं है, बट ऑब्वियसली गोविंदा हैज बीन डिफरेंट, वी क्रिएटेड हिस्ट्री। वेल ऑल इन ऑल ये इवेंट रहा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर संदेश अगाटे, जूम मुंबई। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खुद को बता दिया है सिंगल। आलिया के साथ अपने ब्रेकअप की न्यूज को सिड ने बता दिया सच। आखिर क्यों आलिया और सिद्धार्थ हुए अलग? फाइंड दैट आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। क्या सिड और आलिया का हो गया है ब्रेकअप? क्या सिड और आलिया ने अपने लव का कर दिया है दी एंड? रिपोर्टेडली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खुद को बताया है सिंगल। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, नेहा धूपिया ने अपने टॉक शो पर जब सिद्धार्थ से पूछा उनका रिलेशनशिप स्टेटस, तो सिद्धार्थ ने क्लियर वर्ड्स में आंसर दिया, आई एम वेरी मच सिंगल। Well, यही नहीं, सिड ने ये भी बताया कि वो एक डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाने में है कितने इंटरेस्टेड। सिद्धार्थ सेड, इफ एट ऑल आई हैड माय बायो, इट वुड से सुंदर, सुशील एंड रिस्की। ऑल देसीज वुड अंडरस्टैंड एंड द फिरंग्स वुड आस्क मी फॉर द मीनिंग, बट आई वुडंट माइंड ट्राइंग द ऐप। पिछले कुछ समय में आलिया और सिद्धार्थ के ब्रेकअप की कई न्यूज आई है। कभी सिद्धार्थ और जैकलिन की क्लोजनेस को इसकी वजह माना गया, तो कभी सीनियर एक्टर के साथ आलिया की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को इनके बीच प्रॉब्लम का रीजन बताया गया। हालांकि सिड से जब रिसेंटली उनके ब्रेकअप के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कुछ ये कहा था, लेकिन अब जिस तरह सिद्धार्थ खुद को सिंगल बता रहे हैं, उससे इनके ब्रेकअप की सैड न्यूज सही लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। सलमान शाहरुख की दोस्ती आमिर के लिए कितनी खास है, ये एक बार फिर से आमिर ने कर दिया है प्रूफ। अपनी इसी दोस्ती के खातिर आमिर खान नजर आए सलमान शाहरुख के बॉक्स ऑफिस डिबैकल्स को डिफेंड करते हुए। शाहरुख सलमान के लिए आमिर ने दिखाई अपनी यारी। एसआरके की फिल्म हैरी मेट सेजल और सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट के डिबैकल के बाद आमिर ने खुलकर किया अपने दोनों फ्रेंड्स को डिफेंड। ट्रेंड चेंज हो गया, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट होगा। आई थिंक ये हर क्रिएटिव इंसान के जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं। हम सब कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें, हम सब कोशिश करते हैं कि हम ऐसा काम करें जो लोगों को पसंद आए। कभी कभी हम कामयाब होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो उससे हमको मतलब वी शुड नॉट गेट फेज्ड बाय दैट, वी शुड कंटिन्यू टू डू व्हाट वी बिलीव इन।
एंड आई थिंक कि जब भी आप स्टार्स का नाम लेते हैं आप सिर्फ तीनों का नाम लेते हैं, ये सही नहीं है। आई थिंक हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बहुत ही टैलेंटेड स्टार्स हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। सुना आपने, आमिर खान का साफ कहना है, एक फिल्म से आप नहीं कर सकते किसी भी एक्टर को जज। खान्स आजकल खुलकर एक दूसरे को कर रहे हैं सपोर्ट। सलमान और शाहरुख तो एक दूसरे को सपोर्ट करते ही थे, लेकिन अब आमिर और शाहरुख की दोस्ती खूब बज बना रही है। रिसेंटली आमिर के बीमार होने पर शाहरुख खान पहुंच गए उनके इवेंट पर उन्हें सपोर्ट करने। साफ है शाहरुख और आमिर अब बन गए हैं अच्छे दोस्त, और आमिर का खुलकर शाहरुख और सलमान को यूं सपोर्ट करना साफ दिखाता है खान्स हो गए हैं पूरी तरह से एकजुट। ट्रेंड चेंज हो गया है, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट होगा। आई थिंक हर क्रिएटिव इंसान के जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम सब कोशिश करते हैं कि हम अच्छा काम करें, हम सब कोशिश करते हैं कि हम ऐसा काम करें जो लोगों को पसंद आए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अर्जुन कपूर नहीं चाहते कि उनको किया जाए शाहरुख खान के साथ कंपेयर। शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर देने के बाद भी अर्जुन एसआरके को नहीं मानते अपना कॉम्पिटिशन। शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल को अर्जुन की फिल्म मुबारका ने दी कड़ी टक्कर। अर्जुन कपूर के डबल रोल को किया गया एसआरके से ज्यादा पसंद, लेकिन अर्जुन कपूर नहीं मानते इस कंपैरिजन को सही। अर्जुन को लगता है कि उन्हें एसआरके के साथ कंपेयर किया जाना गलत है। अर्जुन ने कहा, नो प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दिस एंड डू नॉट एनकरेज दिस थॉट प्रोसेस। आई थिंक दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल टू अ मैन हु हैज अचीव्ड एंड अटेन्ड सो मच। आई एम 5 years ओल्ड इन दिस प्रोफेशन एंड आई हैव द हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर शाहरुख सर। इट वुड बी रॉन्ग टू टॉक अबाउट अस इन द सेम ब्रेथ। वेल एसआरके की रिस्पेक्ट में भले ही अर्जुन किसी तरह के कंपैरिजन से इनकार कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, जबकि इस फिल्म से एक वीक पहले रिलीज हुई मुबारका को अच्छा रिस्पांस मिला। वैसे एसआरके की लास्ट कुछ रिलीजेस को देखा जाए तो उनकी फिल्म के साथ क्लैश होने वाली हर दूसरी फिल्म ने शाहरुख को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दी है। लेकिन फिर भी कोई स्टार शाहरुख के साथ अपना कंपटीशन नहीं मानता। आफ्टर ऑल शाहरुख ने बॉलीवुड में जो पोजीशन हासिल की है उस मुकाम तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। फजोती सिंह, जूम, मुंबई। ईशा गुप्ता अपनी बोल्ड पिक्चर्स की वजह से बनी इंटरनेट सेंसेशन, जिसके बाद उन्हें इंटरनेट पर ट्रोल भी किया गया। लेकिन अब इन्हीं बोल्ड पिक्चर्स को लेकर ईशा ने किया प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिवली चिट चैट। I've already cleared a lot. I've already given all the interviews. But I just feel ki I think Hindustan mein ab zarurat hai ki aap instead aurat ko bole ki hamari hamesha har cheez mein galti hoti hai. I think ab ghar pe sikhana chahiye ladko ko ki aap izzat karna seekhe. Yahi hai Isha Gupta ka jawab un trollers ko jo unke bold pics ko bana rahe the nishana. ईशा गुप्ता के इन बोल्ड पिक्चर्स के आते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। ईशा को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा था, लेकिन ईशा ने इस बार बाकी लोगों की तरह चुप रहने के बजाय ट्रोलर्स को जवाब देने का फैसला कर लिया था। I've already cleared a lot. I've already given all the interviews. Yeah, I just feel ki I think Hindustan mein ab zarurat hai ki aap instead aurat ko bole ki hamari hamesha har cheez mein galti hoti hai. I think aap ghar pe sikhana chahiye ladko ko ki aap izzat karna seekhe. साफ है ईशा का कहना है कि ये उनकी लाइफ है और वो नहीं चाहती बाकी लोग डिसाइड करें उन्हें क्या करना है और क्या नहीं।
साथ ही ईशा चाहती हैं कि अब कंट्री में वुमेन को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। वेल, ईशा ने इस बोल्ड बयान को देकर ट्रोलर्स को फिलहाल के लिए चुप करवा दिया है। एंड वी होप अब बाकी सिलेब्स भी उठाएंगे ट्रोलर्स के खिलाफ आवाज। फॉर संदेश अगाटे, जूम मुंबई। फिल्म टाइगर जिंदा है के सेट से सलमान खान की पिक्चर्स हुई लीक। संजय दत्त अपनी कमबैक फिल्म भूमि को लेकर हुए कॉन्शियस। ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। एंड दिस इज इट फॉर नाउ। वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूस एंड स्कूप्स। अंटिल देन यू कीप वॉचिंग जूम टर्न ऑन।